हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं काशी। रन भागों में आप लोगों का स्वागत है। भारतीय टीम की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कहती है कि ऋषभ पंत लगभग फिट हो चुके हैं और आईपीएल 2024 में वापसी कर रहे हैं। हालांकि पंत को लेकर समय समय पर तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं। बीच में खबर आई थी रिकी पॉन्टिंग के हवाले से, जहां पर उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत फिट तो हैं लेकिन 100% फिट नहीं है। वो ये भी कह रहे थे कि ऋषभ पंत से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि मैं कैप्टन नहीं बनूंगा, मैं विकेट कीपर ही बनूंगा। और मैं 14 के 14 मैच, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने कहा था हम उन्हें ऑल आउट आउट नहीं कर सकते, हम ऋषभ पंत को कुछ सिलेक्टिव मैचेस के लिए ही रखेंगे। लेकिन अब जो खबर आई है वह थोड़ी अलग है। दरअसल खबर ये आई है कि आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर तो शायद ना खेलें, लेकिन बैट्समैन के तौर पर वो खेलेंगे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी जो है वह शायद किसी और को मिल सकती है। कई प्लेयर ऐसे हैं जो इस रेस में हैं, लेकिन ऋषभ पंत खेलेंगे। यह दिल्ली कैप्टन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ऋषभ पंत की जगह विकेट कीपर के तौर पर कौन कौन ले सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल को आप दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं जो स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो एक बड़ा नाम है साई होप का। वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी है तगड़ा, खेलते हैं बढ़िया, मारते हैं और उनकी बल्लेबाजी हमने देखी है कि आप उन पर भरोसा कर सकते हो। और बीते कुछ समय में अपने स्ट्राइक रेट पर उन्होंने काम किया है। एक नाम है क्रिस्टन स्टब्स, वो भी महत्वपूर्ण नाम है। अभिषेक पोरे ने पिछले साल विकेट कीपिंग की थी, जबरदस्त प्लेयर है। रिकी भुई एक प्लेयर है और कुमार कुशाग्र, जिन पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया था दिल्ली कैपिटल की तरफ से, वो भी खेल सकते हैं। और ऋषभ पंत क्योंकि विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, NCA में है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजियो निगरानी कर रहे हैं, ऐसे में ऋषभ पंत कीपिंग शायद ना करें, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि वो 100% फिट नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत, आपको याद होगा, एक कार दुर्घटना में 31 दिसंबर को घायल हुए थे और एक साल से अधिक समय हो गया है। इसी बीच तमाम खबर लगातार उनको लेकर आती रही हैं, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने एक हेल्थ को लेकर अपडेट जारी किया था, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए वीडियो पोस्ट किया था, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए भी नज़र आए थे। अब इस पर वीडियो को हम देखते हैं तो बार बार रखी पॉइंट की बात आती है कि ऋषभ पंत चाहते हैं कि वो खेलें, वो चाहते हैं कि वह कप्तान के तौर पर, प्लेयर के तौर पर, विकेट कीपर के तौर पर खेलें, लेकिन क्या वो इतने मैच फिट हैं कि वो खेलें, ये एक सवाल या निशान हमेशा से रहा है। हालांकि ऋषभ पंत ने भी अपने बारे में बताया था कि जब वो बीमार हुए थे, चोटिल थे और डॉक्टर से सलाह ली थी, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कितना समय लग सकता है, जितना भी आपका समय है उसमें से 6 महीने कम कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले मैं अपने आप को फिट कर दूँगा। क्या दिल्ली कैपिटल्स अपनी किस्मत बदल पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऋषभ पंत को मैदान पर दोबारा देखना निश्चित तौर पर दिलचस्प रहने वाला है। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए बने रहें अपने प्यारे भाई काशी के साथ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।